नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों कैसे हो? कुंभ राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि कुंभ नहीं है परंतु लगन कुंभ है, वह दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जून माह कुंभ वालों के लिए भाग्य, धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास भी अपने चरम पर होगा। जून माह में ग्रहों की आपकी राशि पर बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। खासकर शुभ ग्रहों गुरु, शुक्र और बुध पूर्ण रूप से आपके पक्ष में खड़े हैं, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। मास के अंत तक पराक्रमी मंगल भी आप पर मेहरबान रहेगा। इस समय अगर जन्म कुंडली भी आपको सहयोग कर रही है तो जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। एक एक करके सभी ग्रहों की बात करेंगे, जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। जून माह में गोचर वर्ष केवल तीन ग्रह सूर्य, शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों में से शुक्र एवं मंगल का राशि परिवर्तन काफी सकारात्मक रहेगा, हर मोर्चे पर सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह सूर्य से। 15 जून तक सूर्य चतुर्थ भाव पर भ्रमण करेगा। अधिकार पसंद सूर्य का चतुर्थ भाव पर संचार घर परिवार और कार्यस्थल पर आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि करेगा। सूर्य एवं बुध का युति योग विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण भी कर रहा है। यह राजयोग यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए यह युति योग बहुत उत्तम है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। प्रेमीजनों के लिए भी यह युति योग प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए सहयोग कर रहा है। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य की यह स्थिति भी आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने वाली है। बुद्धि स्थान पर सूर्य बुध की बौद्धिक राशि मिथुन में संचार करेगा। आपके ज्ञान, कौशल और बुद्धिबल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आप अपने बुद्धिबल और सूझबूझ से व्यापार के रास्ते आने वाली चुनौतियों को दूर करेंगे। बौद्धिक योग्यता से व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को सूर्य के राशि परिवर्तन से बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। दोस्तों, सूर्य के बाद राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ एवं हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का। 18 जून तक शुक्र राहु के साथ तृतीय भाव पर संचार करेगा तथा अपने ही भाव भाग्य भाव पर दृष्टि डालेगा। शुक्र की यह स्थिति भाग्य में वृद्धि करने वाली है, परंतु वाहन या अन्य सुख सुविधाओं पर व्यय कर सकते हैं। घर की साज सज्जा, मरम्मत और रेनोवेशन पर भी कुछ व्यय करेंगे। 18 जून तक शुक्र के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तन कर अपने ही भाव चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सुख स्थान के स्वामी शुक्र का सुख स्थान पर गोचर सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा, स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। आपकी राशि के लिए भाग्य एवं सुख स्थान के स्वामी शुक्र की शुभता और मजबूत स्थिति भाग्य, धन, सुख, संपत्ति और समृद्धि लेकर आएगी। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। शुक्र के साथ बुध का युति योग बहुत उत्तम है। दो शुभ और मित्र ग्रहों का सुख स्थान पर संचार से विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। खासकर माताजी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, चतुर्थ भाव का संबंध जनता से भी है, इसलिए चतुर्थ भाव की शुभता से जनता के मन में आपके प्रति स्नेह में वृद्धि होगी। जनता से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र और बुध की यह स्थिति लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण भी कर रही है। इस संयोग से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी।
भूमि भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। वाहन खरीदने के इच्छा वाले दोस्तों को इस समय उत्तम वाहन सुख प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित मामला है तो उसका समाधान सुख देने वाला रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। धनबाद पर धनबाद के स्वामी गुरु का संचार तो सुख स्थान पर सुख बाप के स्वामी शुक्र का मित्र ग्रह बुध के साथ संचार भाग्य धन सुख संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि करने वाला है। धन की कोई चिंता नहीं रहेगी। धन के आवागमन में वृद्धि से भूमि भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। जीवन की जटिलताएं दूर होती दिखाई देंगी। घर की साज सज्जा करने में रुचि उत्पन्न होगी। दोनों राजसिक ग्रहों शुक्र और बुध का चतुर्थ भाव पर संचार राजसिक लाइफ स्टाइल बनाएगा। पांच प्रकार के पंच महापुरुष योगों में से दो प्रकार के पंच महापुरुष योगों का निर्माण आपकी गोचर कुंडली में हो रहा है। दोस्तों राशि स्वामी शनि शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण पहले से ही कर रहा है तो अब शुक्र भी मालवे नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। दोनों पंच महापुरुष योग आपकी गोचर कुंडली को अत्यंत ही शक्ति प्रदान करेंगे। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को इन योगों का बहुत लाभ मिलेगा। समाज में आपका गौरव बढ़ेगा। प्रेमियों के लिए भी शुक्र एवं बुध का युति योग प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन अति उत्तम रहेगा, गेम चेंजर का कार्य करेगा। जून मास में अंतिम राशि परिवर्तन है मंगल का। 27 जून तक मंगल द्वितीय भाव पर गुरु के साथ गोचर करेगा। गुरु का धन भाव पर गोचर धन सुख में वृद्धि करेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके खाली पड़े खजाने को गुरु भरने का कार्य करेगा। गुरु के साथ मित्र ग्रह मंगल का युति योग मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। मित्रों के सहयोग से रुका अटका तथा फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। गुरु जहां आपकी वाणी को मधुर और प्रभाव युक्त बनाएंगे तो वहीं आक्रामक एवं लड़ाकू मंगल आपकी वाणी में कठोरता एवं क्रूरता का भाव पैदा करेगा। दोस्तों द्वितीय भाव पर मंगल का संचार वाणी द्वारा पंगे पैदा करता है, इसलिए खासकर 27 जून तक अपनी वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। घर हो या बाहर जल्दबाजी और आवेश में आकर वाणी का प्रयोग परेशानी का कारण बन सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी। 27 जून को मंगल के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। अब मंगल राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पराक्रम भाव पर पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रमी मंगल का प्रवेश आपको भी बनाएगा पराक्रमी। मंगल की पूरी कृपया आप पर बरसेगी। हौसले बुलंद होंगे। बाहुली राहु और पराक्रमी मंगल का पराक्रम भाव पर संचार शेर के समान बनाएगा। जीवन में कुछ नया बड़ा और जोखिम लेने के उद्देश्य से कुदरत आप पर मेहरबान होगी। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले दोस्तों के लिए यह बहुत उत्तम स्थिति है। अपना साहस पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। आपका अपने प्रति विश्वास उच्च मनोबल और बुलंद हौसले प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देंगे। मास के अंत में बहुत ही उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जुलाई मास में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जुलाई माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।